कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है, राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्रीयता की भावना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आदमी सोच ले कि हिंदुस्तान में रह करके कि पाकिस्तानी विचारधारा से काम कर लेंगे तो वो लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो लोग सलाखों के अंदर जाएंगे और उन लोगों की विचारधारा को हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा। कि ऐसी कठोर से कठोर सजा दे कि आने वाले टाइम में उनकी पीढ़ियाँ भी ऐसी गलती करते हुए तीन बार सोचें। जो विपक्ष के लोग इस तरीके की घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत ही गलत है। हम सबको मिलकर के मानवता को बचाना है, अमन चैन को बचाना है, दोबारा सुख शांति को बनाना है, तो राजनीति को छोड़ करके मिलकर चलने की बात करनी पड़ेगी। और नू और मेवात में जो हिंसा हुई है, क्या कहेंगे सर? सडनली इतनी जबरदस्त हिंसा हो जाती है पूरे प्रदेश में और तमाम एजेंसियों को सोचना पड़ रहा है, अब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है। जो पीछे सोमवार के दिन जो ब्रजमंडल यात्रा थी, जलाभिषेक यात्रा, उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर अचानक से पथराव, जानलेवा हमला और इस तरीके से बंदी बना लेना, व्यापारियों की दुकानों को लूट लेना, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, हमने देखा है कि मेवात और गुरुग्राम का, या हिंदू या मुस्लिम का, एक बड़ा अमन चैन वाला माहौल था। पहली बार मानवता को शर्मसार करने का इस तरीके का बड़ा कृत्य दुष्कर्मियों ने, दोषियों ने किया है, जो बहुत ही गलत है। मैं सभी से सबसे पहले अपील करता हूँ कि इस समय हम सब शांति बनाए रखें और सरकार पर, प्रशासन पर विश्वास करते हुए मैं सरकार से अपील भी करना चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है। यहाँ पर हम सब मिलकर के रहें, हम सब आबाद जब ही होंगे, हमारा गुरुग्राम भी आगे जब ही बढ़ेगा, जब हम मिलकर के साथ चलेंगे। देखिए, जो भी लोग गलत कर रहे हैं, वो माननीय मनोहर लाल जी ने अपना पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया है और सरकार उनके ऊपर बिल्कुल सख्त है। जो दोषी हैं वो बेनकाब होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी कठोर से कठोर सजा दे कि आने वाले टाइम में उनकी पीढ़ियाँ भी ऐसी गलती करते हुए तीन बार सोचें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे को परमिशन मिलेगी, हम दोबारा ब्रजमंडल में यात्रा लेकर के जाएंगे। और अब की बार हम कहते हैं कि ना केवल हिंदू, मुस्लिम भी हमारा मालाओं से स्वागत करेंगे। लेकिन लगातार जो है वो विपक्ष आरोप लगा रहा है आप लोगों पर, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जो है फायर, लगातार राइफल से फायर किए गए, वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, ऐसे सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उस विपक्ष का अगर आप देखेंगे, वो मुखौटा भी सामने आने वाला है। किसी जावेद के नाम तो FIR भी सोना में हो गई है। मामन खान का, जो कांग्रेस का विधायक है, उसका बयान आप सभी ने सोचा था कि प्याज सी फोड़ देंगे, इस तरीके के कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, गैस के सिलेंडर तैयार कर लिए हैं। मतलब देखिए, ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय भड़काऊ भाषण देने का नहीं है, ये समय अमन चैन बनाने का है, ये समय एक दूसरे को हाथ पकड़ के, जिस तरीके से ईद के समय हिंदू भाई जाकर के मिठाई देते थे, जिस तरह दिवाली के दौरान हिंदू भाइयों के घरों में मुस्लिम भाई आकर मिठाई देते थे, वो परंपरा दोबारा बनाने का, निभाने का, मिलके चलने का समय है। जो विपक्ष के लोग इस तरीके की घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत ही गलत है। हम सबको मिलकर के मानवता को बचाना है, अमन चैन को बचाना है, दोबारा सुख शांति को बनाना है, तो राजनीति को छोड़ करके मिलकर चलने की बात करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि लापरवाही नहीं होगी, अगर कोई लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार पंत प्रधान जो है वो खामोश है, मणिपुर पे भी वो 30 सेकंड बोले, और अभी नूअर में, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, उन जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, उन जैसा लोकतांत्रिक नेता, उन जैसा गुड गवर्नेंस के तौर पर जो पिछले 9 सालों में पूरे विश्व के अंदर भारत की अपने काम के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर जो पूरे विश्व के अंदर अपने भारत का डंका बजाया है, आज वो पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं। उनकी खामोशी ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देगी। और ये बात वो
उनको हर ना केवल पूरे देश के कोने कोने की, हरियाणा में तो वो खुद संगठन मंत्री रहे हैं, हरियाणा के उनको गली गली का चप्पे चप्पे का खुद पता है। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, और वो तो पक्का इलाज मानते हैं, और वो पक्का इलाज तो पाकिस्तान का बन दिया। आज हमारी देश की सीमाएं किस तरीके से सुरक्षित हैं, आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में लोग भय फैला करके हजारों हजारों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और तो छोड़िए लोग पैर छूते हैं और देशों के प्रधानमंत्री। आपने वो गिनी के प्रधानमंत्री जी को देखा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि भाई साहब इतने तो लोग हमारे को सुनने के लिए ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते, जितने फैन फॉलोअर आपके यहाँ पे सुनने के लिए आ गए। लोग उनके उनके नाम पर विदेशों के अंदर भी वोट मांगते हैं उनके नाम के ऊपर। विपक्ष गोयल साहब लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि NIA, CBI, रॉ, इतनी सारी एजेंसियां हैं देश में, और पंत प्रधान है वो सबसे सक्रिय है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी न्यू और मेवात और मणिपुर हिंसा की जो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष का काम तो कहना है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत हर विषय को लेकर के संवेदनशील हैं। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और आने वाली 2024 में तीसरी बार वो बड़ी शक्ति के तौर पर और बड़े मार्जिन से ज़्यादा सीटें लेकर पूरे देश में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। देखिए विपक्ष कुछ भी बोले कि ये तो बिना हड्डी की जीभ है, लेकिन पक्का इलाज बनेगा जो लोग गलत कर रहे हैं, और हमारा देश आगे ऐसे ही उनके नेतृत्व में बढ़ता रहे। तमाम लोगों का क्या जाएगा नू और मेवात में जो तमाम हो रही हैं घटनाएं, उसको लेकर तमाम लोगों को क्या संदेश देना? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। आदमी आवेश में आकर के दूसरों के प्रवोक करने पर दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर गलती तो कर देता है, और ख़ासकर 15 साल से लेकर 30 साल के जो हमारे नौजवान भाई हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं अपना भविष्य स्किल्ड की तरफ लेके जाएं, अपना भविष्य नशे पते से दूर लेकर रख करके अपने अच्छे रोज़गार के ऊपर। हमारे दिल्ली NCR में बहुत रोज़गार के उज्ज्वल भविष्य उनका हो सकता है, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की, उनको पकड़ने की कोशिश करें, ना कि हुड़दंगबाजी में, पत्थरबाजी में। देखिए आदमी गलती तो कर लेता है, लेकिन वो गलती है ना बाद में धरती बीड़ी हो जाती है, बाद में है ना काबू आना सौदा मुश्किल हो जाता है। अब वो लोग उनके घरवालों को जा करके पूछिए, हमें अपनी मानसिक सोच को बदलना पड़ेगा। अमन चैन के अंदर ही, भाईचारे के अंदर ही सब कुछ रखा है, संगठन के बिना कुछ भी नहीं है, मिलकर के चलना पड़ेगा। राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्रीयता की भावना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आदमी सोच ले कि हिंदुस्तान में रह करके कि पाकिस्तानी विचारधारा से काम कर लेंगे, तो वो लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो लोग सलाखों के अंदर जाएंगे, और उन लोगों की विचारधारा को हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा।